जी हाँ नमस्कार दोस्तों। दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी कि जो आपका मकान मरम्मत का पैसा है वो भी डाला जा चुका है। इसके साथ साथ 75,000 नए पेंशन धारकों की खुशखबरी है दोस्तों। नए पेंशन जिन जिन की भी अभी नई पेंशन आनी थी ना सबसे फर्स्ट टाइम, उनका दोस्तों नंबर डल चुका है, नंबर पड़ चुका है। और आप सभी अगर इंतज़ार कर रहे थे, अपना अपना खाता चेकआउट कर लीजिए दोस्तों। वृद्धावस्था समान भत्ता जिनका भी जो बुढ़ापा एज हो रही थी वो चेकआउट कर लीजिए, उनका सब कुछ करेक्ट होगा यानी कि एज वेरीफाई होगी। और साथ में अभी फ़ोन किया जा रहा है, वोटर कार्ड मांगा जा रहा है, तो आप भी अपना वोटर कार्ड पुराने वाला दिखाकर उसमें 60 साल एज होनी चाहिए। अगर नहीं भी है तो आपने नया बनाया हुआ है तो दोस्तों 2017 से पहले का होना चाहिए। ये वृद्धावस्था लोगों के लिए है, अकेला और तो और विवाहिता अविवाहिता जो पेंशन है, विधुर की जो पेंशन है, उनको भी नई पेंशन चुन कर उनको दोस्तों पेंशन डाली गई है। आज इधर मैं छोटा जो है पार्ट्स वो फुल दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों मुख्यमंत्री शहरी जो आवास सॉरी ग्रामीण आवास योजना के तहत 6300 लाभार्थियों को अधिकार पत्र वितरण किया जा चुका है दोस्तों। ग्रामीण मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना दोस्तों, आप कहते थे ना ग्रामीण आवास वालों का कोई फॉर्म नहीं आ रहा किसी को, ये देखो आपके लिए खबर है। 6300 लाभार्थियों को अधिकार पत्र वितरण किए गए हैं आज दोस्तों। और प्लाट को वास्तविक कीमत का 1-1 लाख रुपया भी भेज चुकी है, कम से कम दोस्तों वित्तीय सहायता दी गई है ये सरकार की तरफ से। अधिकार पत्रों का वितरण 17 अन्य ज़िलों अंबाला, भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, जींद, झज्जर, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, सिरसा, सोनीपत और यमुनानगर, ये दोस्तों 17 ज़िले हैं। बाकी दोस्तों 22 ज़िले तो हैं ही, तो आप सभी को पता है अब 23 और होने जा रहे हैं बाकी। आप 17 हैं और इनमें किसका नाम नहीं आया प्लीज़ कमेंट करके बता देना, आपके लिए खबर अलग से डाल दूंगा जो कोई अपडेट आती है तो। बाकी दोस्तों सामने आप देख सकते हैं। और जो आपका पैसा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना का है, उन लाभार्थियों के लिए भी, नए लाभार्थी जिन्होंने पिछली बार अभी फॉर्म अप्लाई किए थे उनके पैसे भी डल चुकी है। यहाँ पर एक संपर्क सूत्र संपर्क नंबर दिया गया है, इस पर कॉन्टैक्ट करके चंडीगढ़ में आप कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हैं आपका पैसा आया है या नहीं आया है। उनको बता सकते हैं आप कि हमने ये फॉर्म भरा था और हमारा अभी तक पैसा नहीं आया, तो अटका हुआ पैसा आप इस पर जो नंबर पर कॉल करके अपनी जानकारी देंगे तो वो आपका जो रिक्वेस्ट है मुख्यमंत्री तक डायरेक्ट पहुंचाने का काम करते हैं दोस्तों। अब इतनी आसानी से मुख्यमंत्री साहब नायाब सिंह सैनी ने बहुत सारे आपके लिए तोहफे दे दिए हैं। बाकी दोस्तों यहां पर आप सामने सब कुछ देख ही रहे हैं। और अब ग्रामीण का भी नंबर आ चुका है, बाकी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अंत में एक और वीडियो दे रहा हूँ, इसको राइट साइड में ज़रूर देख लेना और कोई मन में क्वेश्चन है कमेंट कर देना। धन्यवाद दोस्तों।